हेलो दोस्तों, सभी भाई को नमस्कार। राम राम, कैसे हो? मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस घोड़े की आज बात करें तो इस घोड़े का नाम है बाज, और इसके ओनर की बात करें तो वागजी भाई आहिर लुणवा कच्छ, और इसके सवार भी है वागजी भाई आहिर। और दोस्तों, ये घोड़े के ऊपर दाम भी लग चुके हैं। वागजी भाई ने मना कर दिया कि ये घोड़ा मैंने शौक के लिए रखा है, शहर के लिए नहीं रखा है, और आने वाली रेस में भी ये फाइट करेगा ये घोड़ा। और दोस्तों, मेरे ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। मेरे YouTube चैनल पर बने रहना दोस्तों। धन्यवाद। बचाव तालुका में लुणवा गांव में राव जी भाई के पास। राव जी भाई, कैसे हो? बढ़िया हूं तो भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया है हम। इस घोड़े की थोड़ी हमें को डिटेल दीजिए आप। विपुल भाई, ये घोड़ा इसका नाम बाज है जी भाई। ये 4 साल का हुआ है अभी जी भाई। और 80 नस्ल में से आता है ये। इसकी माँ बहुत पुरानी घोड़ी में से आती है। इसका बाप भी आज भी खड़ा है इधर बगल के गांव है, गाँव में जी। काला घोड़ा है, इसका बाप है। बहुत ही बहुत अच्छा चलने वाला है। 2-3 इनाम का लिया है, नाम कर चुका है अभी। आने वाली रेस में ये फाइट करेगा या नहीं करेगा? हाँ, फाइट जरूर करेगा जी। इसके सवार कौन है? सवार अभी तो हमारे गांव के मेरा भाई है, भगजी भाई जी भाई, वही चलाते हैं अभी तो जी भाई। इसकी हाइट कितनी होगी करीब? हाइट अभी मान लीजिए ना 60 का हुआ है। 60 का, बहुत ही अच्छी हाइट है। चलने में कितनी स्पीड है इसकी? चलने में तो 35-36 का है ये। इसने दो दांत में इनाम उठाया था एक बार। हाँ, एक बार पहली बार जंगी ले गए थे, जंगी पहला फर्स्ट बार आया था जी भाई। तो भी दो दांत था ना? हाँ, दो नाथ था। और वागड़ में भाई दो नाथ में नंबर लिया था, दूसरा नंबर आया था जी भाई। अच्छा, मैंने भी सुना था। हरी भाई था, सवार बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। बढ़िया चलता है, नस्ल का बहुत अच्छा है इसका। आपको हम रेवाल चाल का भी वीडियो दिखाएंगे और पूरा वीडियो दिखाते हैं घोड़े का। तो थोड़ा भाई साहब घोड़ा दिखा दीजिए आप। बहुत ही सुंदर घोड़ा है, प्योर सिंधी नस्ल का घोड़ा है। चलने भी बहुत अच्छा है, तूफान बहुत करता है। पावर घोड़ा पावर में अभी क्या आराम मिल गया है ना, घोड़ा पावर कर रहा है। बहुत ही पावरफुल घोड़ा है ये। इसको हम चल के भी इसका वीडियो हम दिखाएंगे। अब आने वाली रेस की कैसी तैयारी है बागजी भाई? अभी थोड़ा ही बारिश की वजह से खड़ा हुआ है घोड़ा। जैसे बारिश थोड़ा रास्ता बस्ता सही हो जाएगा तो अभी ना, तो फील्ड तो कोई है नहीं ना? अभी फील्ड है फिलहाल, हमारे लोकल इधर है गांव में ही जी भाई। उधर प्रैक्टिस करा दे थोड़ी बहुत, कभी कभी 10-15 दिन में एक बार, बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी घुमाते नहीं है इसको? अभी नहीं घुमाते। ऐसा लग रहा है कि ये अभी बोलता है कि मेरे को चलाओ। बात का भी बहुत मरा था ये, तूफान तो करेगा अभी, चलते हैं। नर है ना भाई, नर में थोड़ा बहुत पावर होगा ही जी भाई। नस्ल का बहुत बढ़िया है, इसकी माँ भी आज खड़ी है। दोस्तों देखिए, प्योर सिंधी नस्ल का घोड़ा है। हाइट साइट में सब इसके 3 पैर सफेद है दोस्तों। बहुत ही अच्छा घोड़ा है ये। देवमान भी है, देवमान भी है। इसके पैर वगैरह देखिए दोस्तों, बहुत ही तूफान कर रहा है अभी घोड़ा। देख सकते हो अभी बहुत ही तूफान कर रहा है, पावर है घोड़े में, पावर है पूरा। बाकी भाई, आप नहीं इस पे सवारी करते हो? हाँ, हम तो कभी कभी करते हैं भाई जी भाई। अभी घोड़ा बहुत पावर में है, वो बोल रहे हैं मेरे को छोड़ो, मेरे को चलना है अभी। इसका आपको हम रेवाल चाल का भी वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही नया वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहना। और बाकी भाई, आप यूट्यूब चैनल से क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं आप नस्ले में जाइए थोड़ा विपुल भाई, और ये घोड़े की सबकी मालिक की ये नस्ले है, सब बाल लाइए यूट्यूब के माध्यम से जी भाई। सब बढ़िया रहे और सबको जानकारी मिलती रहे जी भाई, घोड़े के बारे में, सबके बारे में। आज मैंने आपके गांव की वो 3 बछेरी भी देखी, घाबरे वाले घोड़े की, बहुत ही अच्छी बच्ची है। बछेरी भी बहुत बढ़िया है, हाइट वाइट सब मस्त है। सेवा चाकरी करेंगे तो जानो अच्छा भी हो जाता है। खिलाएंगे ऐसा पाएंगे भाई जी। इसको आप कब से लेके आए? कितने साल, कितने मौत का था ये?
मान लीजिए ना 22 महीने का था तब मैंने लिया था जी भाई, 22 महीने का मैंने लिया था। और उसके पहले आपके पास कोई घोड़ा वोड़ा था? ना, एक नर घोड़ा था बादल का, वो भी उधर ही गांव में खड़ा है अभी जी भाई, और उसको वाली घोड़ा कर दिया है। वाली घोड़ा कर दिया, वो भी बहुत बढ़िया है जी। दोस्तों जो आने वाली रेस में ये घोड़ा फाइट करेगा और इसके सवार इधर गांव के ही राघजी भाई आहिर बहुत ही अच्छी सवारी करते हैं, वो भी मैंने देखी है उसकी सवारी। इस घोड़े के ऊपर वो जंगी सवार थे तब जंगी ये घोड़ा नंबर में आया था, बहुत ही पावरफुल घोड़ा है, प्योर सिंधी नस्ल का और पूरी हाइट है इसकी, कपा पे पट्टा है, 3 पैर सफ़ेद है इसके। और राघजी भाई सिंधी नस्ल में खासियत क्या होती है वो थोड़ी मेरे को माहिती दीजिए, और इसको पे खाना पीना क्या देते हो इसको? डाइटिंग में तो वो रेगुलर होता है, थोड़ा बहुत घर का ही देते हैं, और कोई जो स्पेशल कुछ नहीं है इसका। ये स्पेशल कुछ नहीं, स्पेशल कुछ नहीं देते इतना चलता है तो स्पेशल कुछ तो खिलाते होगे आप? नहीं नहीं, स्पेशल क्या देंगे, कोई देते है जी, चना वगैरह बाजरी वगैरह वही, बाजरा बाजरा घर का होता है वो देते है, और कुछ नहीं देते। बहुत ही सब तो विपुल भाई बहुत ही बढ़िया होता है, एकदम चलने में बहुत अच्छा होता है ऐसे भी सब। देखिए दोस्तों पार कर रहे अभी भी, वो बोल रहा है कि पास में मत आओ, पास में मत आओ, मेरे को चलना है, निकालो मेरे को मैदान में, मैदान चाहिए इसको, मैदान चाहिए। हम इसको घुमाएंगे अभी, देखते हैं जो बारिश नहीं होगी तो घुमाएंगे घोड़े को, बहुत ही अभी पार कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल पर बने रहना, आने वाले सभी रेस का और सभी सिंधी नस्ल घोड़े का हम वीडियो लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों सभी भाइयों का, आपका भी भाई, आपका भी धन्यवाद, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, घोड़े के बारे में जानकारी ली जी भाई, आपका भी आभार। बस मेरे को वही करना है कि सिंधी नस्ल के घोड़े जहाँ भी छुपे हैं वो सभी को मेरे को दिखाना है कि कैसे कैसे जैसे मार्केट में आएंगे ना भाई जी भाई। बस मेरी तो ख्वाहिश भाई ये कि सिंधी नस्ल जो अभी बहुत छुपी हुई है, जो मार्केट में अभी नहीं आ रहे, बच्चे वगैरह बहुत और घोड़िया भी है पुरानी नस्ल में चलने वाली जो बाहर बहुत बिकती है, मेरे इधर बहुत ही इनाम ले चुकी है घोड़ी, वही भी है सिंधी नस्ल की, वो भी हम दोस्त आपको दिखाएंगे। धन्यवाद आपका वागजी भाई, थैंक यू।